हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ बताने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए ही आ सकते हैं। बस आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम इस वीडियो में करेंगे 4th लेसन जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, 6th लेसन पोलिटिकल पार्टीज और 7th लेसन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के क्वेश्चन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंशन एनी 3 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया, या वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट इंडिपेंडेंस एनालाइज। ये दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज इवन टुडे, एक्सेस द स्टेटमेंट बाय गिविंग 5 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। अब 3 मार्क्स के लिए सेकंड क्वेश्चन। इन अ नेशन कम्युनलिज्म हैज डिफरेंट रिपरकुशंस ऑन द माइंड मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हाउ। इसी क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स दैट कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब आता है 3rd क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। इसमें 5 मार्क्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है व्हाई आर द पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड आता है 5 मार्क्स के लिए ही कि वॉट इज पॉलिटिकल पार्टीज, सजेस्ट 3 रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ टूडेज पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। 3rd आता है 3 मार्क्स के लिए, वॉट इज द मेंट बाय डिफिक्शंस इन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। 3 मार्क्स के लिए ही अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा आपकी बुक में एक टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये जरूर करके जाइएगा क्योंकि इसके हर पॉइंट पर 5 या 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब करते हैं 7th लेसन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब करते हैं 2nd क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव देन इट्स अदर अल्टरनेटिव्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और 3rd क्वेश्चन आता है कि एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स हाउ द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स आर बेस्ट गारंटीड इन अ डेमोक्रेसी। ये आता है 3 मार्क्स के लिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक भी दे रखी है।